हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊपरी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश और ओलावृष्टि से राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदेश में दो दिन इन क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान ओलावृष्टि की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। बीते दिन में शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा के कुछ एक स्थानों पर जमकर बारिश हुई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आगामी दो दिन तक भी मौसम खराब बने रहने की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान शिमला, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी के कई स्थानों पर बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश सुंदरनगर में 22 मिलीलीटर जबकि नारकंडा में 12 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई है। इन क्षेत्रों में बारिश होने से तापमान में भी कमी आई है। प्रदेश में तापमान सामान्य चल रहे हैं। वहीं प्रदेश में 12 और 13 मई को मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, जबकि 14 मई को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। लेकिन 16 मई से प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, शिमला है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, चंबा, कांगड़ा, मंडी, यहाँ पे कुछ एक स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो सुंदरनगर में 22 एमएम रिपोर्ट की गई बारिश, और जैसे शिमला में नारकंडा में 12 एमएम, और जो सबसे कम रिकॉर्ड की गई है तो वो भुंतर में 1 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में जो मैक्सिमम तापमान था वो ऊना में 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अभी जो मैक्सिमम तापमान है वो पूरे प्रदेश में सामान्य चल रहे हैं, और जो न्यूनतम तापमान है पिछले 24 घंटों का वो किलाऊ में रिकॉर्ड किया गया था 6.7 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले अगर 5 दिनों के फोरकास्ट की बात करें तो आज और कल, मतलब 12 और 13 तारीख को प्रदेश के जो मिड और हाइल्स के डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक दो स्थानों पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है, और साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी होने की भी संभावना है। उसके उपरांत फिर 14 तारीख को मौसम प्रदेश में मुख्यतः रूप से मेनली ड्राई रहने की संभावना है। फिर 16 तारीख से क्या है कि एक WD प्रदेश में अप्रोच कर रहा है, और उसके चलते प्रदेश के जो मिड और हाइल्स के डिस्ट्रिक्ट वहां पे कुछ एक स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है, और साथ में ओलावृष्टि होने की संभावना है 16 तारीख को, और लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म भी हो सकती है कुछ एक स्थानों में। मैंने बताया कि अभी जो प्रदेश के जो मैक्सिमम जो डे टेम्परेचर हैं वो अभी सामान्य चल रहे हैं, और अभी जैसे पिछले 24 घंटों में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया, बट जो तापमान है वो नॉर्मल है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर हैं वो ऊना में रिकॉर्ड किया गया था 40.4 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अगले 24 घंटों के जो मिड और हाइस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली मंडी है, कांगड़ा है और चंबा है, यहाँ पे कुछ एक दो स्थानों में लाइटिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है शाम के समय में। और फिर 16 तारीख को जैसे एक WD अप्रोच कर रहा है प्रदेश में, तो मिड और हाइस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू हो गया, शिमला हो गया, यहाँ पे भी लाइटिंग और थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है, और साथ में ओलावृष्टि होने की संभावना है 16 तारीख को। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।